जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद जितनी बौखलाहट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान में दिखी, उतनी ही मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद में भी दिखी। फर्क बस इतना था कि पाकिस्तान कश्मीर को अपना हिस्सा बताता रहा और मलेशिया पाकिस्तान के खातिर भारत सरकार के फैसले का विरोध करता रहा। असल में मलेशिया की ये चाल पाक से अपने रिश्ते और मजबूत करने की थी। बीते दिनों कश्मीर मुद्दे के साथ साथ भारतीय नागरिकता कानून जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोर पकड़ने लगा, तब इसके विरोध में मलेशिया भी बयानबाजी करता रहा, जिसके चलते दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते खराब होने लगे। यहाँ तक कि भारत ने बड़ा फैसला लेते हुए मलेशिया से सभी व्यापारिक संबंध तोड़ दिए। इससे मलेशिया को बड़ा झटका लगा है। पहले भारत में पाम ऑयल का सबसे बड़ा सप्लायर इंडोनेशिया था, लेकिन रिफाइंड पाम ऑयल पर टैक्स घटाकर मलेशिया साल 2019 में सबसे बड़ा सप्लायर बन गया और भारत में बड़े पैमाने पर पाम ऑयल सप्लाई करने लगा। लेकिन जब से भारत ने व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगाई, इससे मलेशिया बुरी तरह जल भुन गया। इसी कड़ी में अब मलेशिया भारत को कूटनीतिक स्तर पर जवाब देने के लिए पाकिस्तान से अपने रिश्ते मजबूत करने में जुट गया है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि पाक पीएम इमरान खान जल्द ही मलेशिया का दौरा करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान 3-4 फरवरी को आधिकारिक यात्रा पर कुआलालंपुर दौरे पर जाएंगे। अब देखना ये है कि भारत से गर्माहट के बीच मलेशिया और पाकिस्तान की गहराती दोस्ती से क्या नया होने वाला है। टीम खबर अपडेट।